गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू अ चैनल करंट अड्डा ए डेली करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड अदर डिफरेंट सोर्सेस दोस्तों आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से जितने भी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे तो चलिए पहले हमारे सेशन का ओवरव्यू ले, ले लेते हैं दिन की शुरुआत होगी एक मोटिवेशन थॉट से देन उसके बाद क्विज उसके बाद हम आज के जितने भी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे देन वन लाइनर क्वेश्चन उसके बाद फिर एक स्टैटिक पार्ट और उसके बाद जो कल की क्विज थी हम उसका सोल्यूशन देखेंगे तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोटिवेशन थाट से द सीक्रेट टू योर सक्सेस इज़ हिडन इन योर डेली रूटीन अगर आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपका रूटीन भी उसी तरह का होना चाहिए अगर आपका डेली रूटीन वेल well प्लान्ड है और आप उसके लिए कंसिस्टेंट हो डिसिप्लिन हो देन माई फ्रेंड सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू तो चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं हमारे आज की क्विज और क्विज के आंसर जो हैं आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं तो चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन डिजिटल स्टेथोस्कोप का निर्माण किस संस्था ने किया था इसका ऑप्शन है आईआईटी कानपुर आईआईटी रोपड़ आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोर्स एंड मिस किताब किसने लिखी है मैरी जॉर्डन सतगुरु जिम कैरी और मिलिंद कर्माकर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमएफ के अनुसार भारत की फाइनेंशियल ईयर 2020 में ग्रोथ रेट क्या रहेगी ऑप्शन है दो परसेंट एक पॉइंट नौ परसेंट दो पॉइंट पाँच परसेंट और तीन पॉइंट पाँच परसेंट तो फ्रेंड्स आप सभी ने इस क्वीज़ के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं तो आगे बढ़ने से पहले जो जो इस चैनल पर नया है एक बार वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स में जो इसे ज़रूर शेयर कीजिए तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पार्ट पर तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है किसे बड़ौदा रणजी टीम का कोच और डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेव वाटमोरे डेव वाटमोरे को अभी बड़ौदा रणजी टीम का डायरेक्टर और कोच नियुक्त किया गया है अब ये डेव वाटमोरे कौन है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इससे पहले ये श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के कोच भी रह चुके हैं तो अब इन्हें बरोडा रणजी टीम का कोच और डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और जो ये बरोडा रणजी टीम है ये गुजरात की टीम है तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर किस संस्थान ने लिथियम रिच चाइन स्टार की खोज की है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आई आई ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तो अब ये लिथियम रिच चैंट स्टार क्या है स्टार्स जो है वैसे तो हाइड्रोजन और हीलियम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन जो ये लिथियम जैंट स्टार हैं ये लिथियम की भारी मात्रा प्रोड्यूस करते हैं और इसे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा खोजा गया है तो चलिए यहाँ से एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं इसरो अभी न्यूज़ में है क्योंकि उन्नीस अप्रैल उन्नीस को भारत की पहली सैटेलाइट आर्या को रसिया के कोस्मोस थ्री से लॉन्च किया गया था नासा भी न्यूज़ में है क्योंकि नासा अपने सनराइज मिशन की तैयारी कर रहा है और नासा के अनुसार यह 2023 में इस मिशन को लॉन्च करेगा तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कौन सी सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने आर टी लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंस्टाग्राम अभी इंस्टाग्राम ने आर टी लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है इसमें क्या होगा यह स्टेट वाइज अपडेट देगा कि कोरोना वायरस किस गति से फैल रहा है तो चलिए अभी इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इंस्टाग्राम इसके संस्थापक हैं केविन सिस्टोरम और यह जो एक अमेरिका की कंपनी है फेसबुक इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग और यह भी एक अमेरिकाई की कंपनी है व्हाट्सएप इसके संस्थापक है जैन कॉम यह भी अमेरिका की कंपनी है ट्विटर ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोरसे और यह भी एक अमेरिकाई की कंपनी है तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर किस संस्था ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए प्रोटीन बिस्कुट तैयार किए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सी एफ़ टी आर आई जी हाँ दोस्तों सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए प्रोटीन बिस्कुट तैयार किए हैं और इन बिस्किट्स की पहली सप्लाई एम्स दिल्ली में की गई है तो चलिए यहाँ से हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं आईआईटी रुड़की ने अभी हाल ही में प्राण वायु नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है एन और बेल ने एक डिजिटल आईआर थर्मामीटर का निर्माण किया है तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्ल्ड वाइड हेल्प नाम की ऐप किस आईआईटी ने बनाई है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आई बॉम्बे इसमें क्या है कि आपने अपने बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी डालनी है जैसे आपका नाम उम्र पता ये सब डालना है और फिर आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी हेल्प चाहिए वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी इसके साथ साथ आईआईटी बॉम्बे ने अभी अपने परिसर में ई e टोकन भी जारी किए हैं इसमें क्या है कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर हजारों फैमिलियाँ रहती हैं तो वहाँ सब्जी या मार्केट जाने के लिए भीड़ ना हो इसके लिए ई e टोकन जारी किए गए हैं इसके लिए वहाँ जितनी भी फैमिली रह रही हैं उनकी ईमेल पर ये ई टोकन जनरेट कर दिया जाएगा और उनको एक तय समय दे दिया जाएगा तो अब उसी समय पे वो घर से बाहर निकल के अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह या जो भी फल फ्रूट है वो अपना ले सकते हैं तो चलिए यहाँ से हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं आई गुवाहाटी इसने अभी एक एंटी माइक्रोबियल स्प्रे का निर्माण किया है आई रोपड़ इसने यूवी जर्मिसाइडल रेडिएशन तकनीक से एक मशीन तैयार की है आईआईटी हैदराबाद इसने भी एक जीवन लाइट नाम से एक वेंटिलेटर का निर्माण किया है अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने आयु सिंह नाम से एक डिजिटल सेथोस्कोप का भी निर्माण किया था तो इस क्वेश्चन से हमने इतने फैक्ट्स देखे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पर नया है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्रोग्राम आई गोट लॉन्च किया है अब इस प्रोग्राम में क्या होगा इसमें क्या है डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मचारी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद हुसैन हुदेदी का निधन हो गया है वो एक प्रसिद्ध क्या थे वो एक प्रसिद्ध गायक थे और इन्हें सोमाली म्यूजिक का जनक भी कहा जाता है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब्बा का भी निधन हो गया है ये नाइजीरिया के चीफ ऑफ स्टाफ टू प्रेसिडेंट थे और इनका निधन जो है कोरोना वायरस की वजह से हो गया है हाल ही में जारी आई वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा है और इसका सही जवाब है फैन जेडोंग और ये चाइना से है अब ये आई क्या है यह इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है तो इसमें महिलाओं में टॉप पर कौन रहा है तो इसमें चाइना की ही चैनमैंग महिलाओं में प्रथम स्थान पर रही है तो दोस्तों बीस अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं क्योंकि कल संडे था तो कल ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह कुछ इतनी ज़्यादा बनी नहीं थी तो इसलिए ही आज हमने ये कम क्वेश्चन डिस्कस किए तो चलिए अब हम कल की क्विज के आंसर डिस्कस कर लेते हैं स्टर्लिंग मोस्क का निधन हो गया वह एक फेमस थे एफ वन कार रेसर किस आईआईटी ने एंटी माइक्रोबियल स्प्रे का निर्माण किया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक द कोरोना चेन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इफको तो चलिए अब कुछ स्टेटिक का पार्ट पढ़ते हैं आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया तो चलिए पहले मैप में देखते हैं सबसे पहले हम जो हमारे पश्चिमी थोर पर हैं उन्हें डिस्कस करते हैं तो सबसे ऊपर है कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है कच्छ की खाड़ी के पास उसके बाद फिर मुंबई पोर्ट यह भी महाराष्ट्र में है यह भी हमारा महाराष्ट्र में ही है उसके नीचे फिर मोरमुगोवा, मुगोवा यह गोवा में स्थित है उसके नीचे फिर न्यू मंगलोर यह हमारा कर्नाटका में स्थित है उसके नीचे फिर हमारा कोचिन पोर्ट है यह जो हमारा केरला में स्थित है तो अब जो हमारे पूर्वी छोर पे हैं उन पोर्ट्स पर भी नज़र डालते हैं तो सबसे ऊपर है हमारा कलकत्ता पोर्ट इसे हम हल्दिया पोर्ट भी कहते हैं और यह है जो है हुगली नदी पर स्थित है उसके ठीक नीचे है पारादीप पोर्ट और यह हमारा उड़ीसा में है उसके नीचे है विशाखापट्टनम, और यह हमारा आंध्र प्रदेश में है फिर उसके नीचे है इन्नौर पोर्ट यह तमिलनाडु में स्थित है उसके फिर ठीक नीचे है हमारा चेन्नई पोर्ट यह भी हमारा तमिलनाडु में स्थित है और फिर सबसे आखिरी में है तूती कोरिन पोर्ट यह भी हमारा तमिलनाडु में स्थित है तो चलिए इन पोर्ट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं तो एक बार उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं भारत में जो है कुल बारह मेजर पोर्ट हैं भारत में जो है कुल बारह मेजर पोर्ट हैं जो अभी हमने डिस्कस किए लेकिन फरवरी में लेकिन फरवरी में एक बिल पास कर दिया गया है जिसमें वधावन पोर्ट को भी मेजर पोर्ट में शामिल किया जाएगा और यह वधावन पोर्ट कहाँ बनेगा यह महाराष्ट्र में बनेगा मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा नेचुरल बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है यह सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है दोस्तों एक चीज याद रखना कि दोनों जो सबसे बड़े पोर्ट हैं कि दोनों जो सबसे बड़े पोर्ट हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं जवाहरलाल नेहरू आर्टिफिशियल और मुंबई पोर्ट नेचुरल अब जो कांडला पोर्ट है अब जो कांडला पोर्ट है इसे हम ज्वारिया बंदरगाह भी कहते हैं पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है विशाखापट्टनम को और यहाँ पर जो है सबसे और यह है जो है सबसे गहरा पोर्ट भी है हल्दिया पोर्ट जो कोलकाता में है यह हुगली नदी पर स्थित है जो कोची पोर्ट है यह वेम्बानाड लेक में स्थित है तो दोस्तों मैंने आप सबके लिए एक लिस्ट भी तैयार की है जिसमें सभी पोर्ट्स हैं और यह कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और यह कब कब बने थे यह सब मैंने तैयार किया है तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे अपने नोटबुक में भी उतार सकते हैं तो अब आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू